सब गाइस, कैसे हो आप सब। आज का हमारा चैप्टर है इंसानी जिस्म और उसकी कारगर्दगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी नहीं। जो बात होगी इंपॉर्टेंट हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस दो लाइनों के अंदर कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हर जानदार शय जो होती है ना, वो छोटे छोटे जानदार ज़रात से मिलकर बनती है, जिसको हम सेल्स कहते हैं या खुलिया कहते हैं। ठीक है, जो जानदार होता है ना, कोई भी इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, दुनिया की हर चीज़ जो जानदार चीज़ है ना, वो एक चीज़ से मिलकर बनती है, जिसको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम सेल कहते हैं। दुनिया की हर जानदार, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, अगर वो जानदार है तो वो एक चीज़ से मिलकर बनती है, जिसको हम कहते हैं सेल, जिसको हम कहते हैं खुलिया। ठीक है, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपने एक याद रखनी है कि यहाँ पे बेसिकली चैप्टर जो है ना, ये हमें बता रहा है सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। अब ये देखिए कि हमें इतना तो पता चल गया है कि जानदार के जिस्म की जो इकाई होती है ना, वो सेल होती है। ये आपने बात याद रखनी है, ये MCQ आता है, कि इंसान के जिस्म की बुनियादी इकाई क्या है। तो आपने ये बात याद रखनी है, खुलिया सेल ये जानदार के जिस्म की बुनियादी इकाई होती है। अब यहाँ पर तस्वीर बनी हुई ना, ये वाली, ये बेसिकली हमें ये बता रही है कि एक सेल जो होता है ना, वो कौन कौन सी चीज़ से मिलके बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये ताकत देता है, एनर्जी देता है सेल को, वो काम कर सके। उसके बाद वैक्यूल है, वैक्यूल जो होता है वो भी सेल का हिस्सा होता है। ठीक है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सबसे सेंटर में होता है सेल के। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जितनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, सारी इन्फॉर्मेशन सारी न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भला क्या होता है? जिस तरह एक सेल लेना है, ये समझ लीजिए सेल है, सेल के अंदर जितना भी पानी होता है ना, सेल के जितना सेल के अंदर पानी बढ़ा हो, ये समझ लीजिए पानी बढ़ा सेल के अंदर, सारा का सारा पानी जो सेल के अंदर है इस तरह, वो साइटोप्लाज्म है। ठीक हो गया। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। जैसे ही हम नीचे आते हैं तो हमें बताते हैं खुलिया के बारे में, खुलिया क्या होता है। खुलिया के बारे में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि एक खुलिया जो होता है वो सेल होता है, और सेल जो होता है वो बुनियादी इकाई होती है। ठीक है, और आपने ये भी बात याद रखनी है कि हम इसको नहीं देख सकते आँख की मदद से, हमें इसके लिए खुर्दबीन, यानी कि जो खुर्दबीन होती है ना, उसको उसके ज़रिए हम इसको देख सकते हैं। और उसके बाद वो जो आपको बात बता रहा है, वो ये कह रहा है कि जो बहुत सारे सेल होते हैं वो मिलकर टिशू बनाते हैं, टिशू मिलकर सिस्टम बनाते हैं। इस तरह से ये बुनियाद जो सेल होता है वो बुनियादी तौर पे एक बड़ी तख्लीक देता है। लेकिन आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है इस पूरी की पूरी लाइनों में कि इंसानी जिस्म की बुनियादी इकाई जो होता है, किसी जानदार जिस्म की बुनियादी इकाई जो होती है वो सेल होती है। ठीक है, उसके बाद है खलबी जली। खलबी जली जो है ना, वो सेल मेम्ब्रेन है। सही हो गया। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जिसके अंदर मादा हयात लिपटा हुआ होता है, सबसे बरूनी लेयर होती है और इसके अंदर सारा का सारा मादा हयात लिपटा होता है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि साइटोप्लाज्म जो है ना, नहीं यहाँ पर लिखा हुआ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है ये जाली किस्म का ठोस मादा होता है, जिसे मादा हयात कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसको मादा हयात कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मादा हयात किसे कहा जाता है, तो आपने कहना प्रोटोप्लाज्म को। ये भी सेल के अंदर पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म, जिसको मादा हयात कहते हैं। उसके बाद है मरकज़ खुलिया या मगज़ खुलिया, जिसको न्यूक्लस कहते हैं। हमारे सेल के बिल्कुल जो मिड में जो मोटा सा होता है वो न्यूक्लस होता है। ठीक है, न्यूक्लस जो होता है वो क्या है? ये तो मरकज़ भी है और मगज़ भी है। एक सेल का, एक खुलिए का जो मगज़ है, जो मरकज़ है, वो न्यूक्लस है। न्यूक्लस जो होता है ये खुलिए का अहम तरीन जज्व है। देखिए यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है, पहले हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आपने एक कहानी की तरह, आपने इसको ज़ुबानी याद नहीं करना, आपने इसको स्टोरी की तरह पढ़ना है। जिस तरह आप स्टोरी पढ़ते हैं ना कोई, बिल्कुल इसी तरह इसको पढ़ें। यहाँ पे आप इतनी बात याद रखिए स्टोरी के अंदर, अगर मैं आप कहूँ कि न्यूक्लियस के बारे में एक स्टोरी सुनाओ, तो आप मुझे स्टोरी सुनाएंगे न्यूक्लियस के बारे में कि ये जोहरे हयात भी है और ये मादा हयात के दरमियान होता है और ये सारा कंट्रोल सिस्टम इसी के पास होता है और जिस्म की इब्तिदा भी एक मुनफरद खलिए से होती है, जिसे अंडा या सेल कहते हैं। ठीक है,
ये जो न्यूक्लियस है इसके बारे में आपने ये याद बात याद रखनी है कि ये मरकज़ कंट्रोल है, ठीक है। और जितनी इंफॉर्मेशन होती है मालूमात सेल की वो सारी इसके अंदर होती है, और इसको जोहरे हयात भी कहते हैं। सिर्फ तीन बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है न्यूक्लियस के बारे में। उसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस्म की तदाद जो है ना वो एक मुनफरद खलिये से होती है, जिसे अंडा या जर्म सेल कहते हैं, ठीक है जी। जो फीमेल होती है उसके अंदर अंडा होता है, ठीक है, या जर्म सेल कहते हैं, इंग्लिश में इसको जर्म सेल कहते हैं और उर्दू में अंडा कहते हैं, ठीक है। देखें हमारा जो अंडा होता है ना, जैसे एक मुर्गी का अंडा या किसी जानवर का अंडा, इसी तरह कुछ अंडे तो वो होते हैं जो के जैसे मुर्गी का अंडा, लेकिन कुछ अंडे पेट के अंदर ही होते हैं और बच्चा वहीं पे बनता है। जैसे कुछ जानवर बच्चा देते हैं और कुछ जानवर अंडा देते हैं, जो जानवर बच्चा देते हैं अंडा नहीं देते, उनका अंडा उनके पेट में ही पलता है। यानी बेसिकली हर जानदार एक अंडे से ही बनता है। कुछ अंडे दुनिया में आते हैं, जैसे कुछ अंडे बाहर आ जाते हैं, कुछ अंडे नहीं बल्कि बच्चे बाहर आते हैं। तो डैट इज़ द बेसिकली, आप मेरी बात समझिए कि जो एक अंडा होता है हर जानदार एक अंडे से ही बनता है, चाहे वो कोई भी जानवर क्यों ना हो। जो अंडा होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक नर खुलिए से जिसको स्पर्म कहते हैं और एक मादा खुलिए जिसे ओम कहते हैं। जब स्पर्म और ओम यकजा होते हैं फिर जाके एक अंडा बनता है जिसको खुलियों की माँ भी कहते हैं। खुलियों की माँ किसे कहते हैं? अंडे को। किसे कहते हैं? अंडे को। अब ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगली जो लाइनें हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं आप। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बात कही गई है, वो कहता है कि इब्तिदा में खुलिए एक जैसा काम करते हैं, शक्ल सूरत में जैसे नज़र आते हैं, लेकिन बाद में अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के काम आपस में बांट लेते हैं। मसलन खुलियों का एक ग्रोह अपने ज़िम्मे हरकत का काम लेता है और इन्हें अजलाती खुलिए कहते हैं। खुलियों का दूसरा ग्रोह पैगाम रसानी और अहकाम जारी करने का काम में मसरूफ़ रहता है, जिसे हम अस्पी खुलिए नर्व सेल कहते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ बेसिकली बात उसने ये की है कि शुरू में तो बंदा एक सेल से बनता है ना, ये समझ लें सेल है, ये सेल है, और बाद में यही सेल जो है ये डिफरेंट सेल्स में बढ़ जाता है। समझ लो इस तरह के पांच सेल मिलके, पांच सेल यहाँ आ जाते हैं, इस तरह के पांच सेल इस तरह के यहाँ आ जाते हैं, पांच सेल इस तरह के यहाँ आ जाते हैं, यही सेल डिवाइड हो के यही सेल मिलके डिफरेंट टिशू बनाता है, और हर टिशू जो होता है वो अपना अपना काम ले लेता है। जैसे ये पांच सेल जो हैं ये मिलके एक टिशू बनाते हैं, ये पांच सेल मिलके एक टिशू बनाते हैं, और ये पांच सेल मिलके एक टिशू बनाते हैं। शुरू में तो एक ही सेल होता है लेकिन बाद में वो बहुत सारे सेल बन जाते हैं। तो ये सारे सेल जो हैं, ये वाला सेल कहता है कि मैं दिमागी सिस्टम वाला काम करूँगा, ये वाला सेल कहता है कि मैं अजलाती सिस्टम वाला काम करूँगा, ये वाला सेल कहता है मैं फेफड़े वाला काम करूँगा, दिल वाला काम करूँगा, निज़ाम तनफ़ुस करूँगा। तो ये तीनों सेल जो हैं, एक दो और तीन, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट काम खुद में सौंप लेते हैं। जैसे ये मसल मस्कुलर सिस्टम का काम संभाल लेता है, ये नर्वस सिस्टम का, और ये निज़ाम तनफ़ुस का। तो बेसिकली होता तो सेल ही है लेकिन बहुत सारे सेल मिलकर टिशू बनाते हैं, और वो टिशू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो बेसिकली यहाँ पे उसने यही काम यही बात समझाने की कोशिश की है कि शुरू में तो खुलिया ही होता है, फिर बहुत सारे खुलिया मिलके अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ बांट लेते हैं। तो यहाँ पे उसने यही बात की है। उसके बाद हम मज़ीद आगे आते हैं, निज़ाम इस्तख़वान या स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम जो होता है 206 हड्डियाँ होती हैं, ये बात याद रखनी है। और ये जो निज़ाम है ये क्या करता है, ये एक तो हरकत कर में मदद करता है, दूसरा हमारी बॉडी को शक्ल सूरत देता है। मैं अगर हमारे जिस्म में हड्डियाँ ना होती तो हम गोश्त का लोथरे होते, रबड़ की तरह हम होते, हमारी बॉडी की कोई शेप ही ना होती अगर इसमें हड्डी ना होती। तो यहाँ पे बेसिकली निज़ाम में इस्तख़वान यानी कि स्केलेटल मसल के बारे में ये बात की गई है कि इसके दो ही काम हैं, एक तो ये हमारे जिस्म को हिफाजत देता है, दूसरा शक्ल सूरत देता है, शेप देता है। उसके बाद निज़ाम अज़लात है जिसको हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। निज़ाम अज़लात के बारे में उसने एक ही बात की है कि इसमें जिस्म के तमाम गोश वाले हिस्से होते हैं, इंसानी जिस्म के मजदूर हैं जिनके सुकड़ने और फैलने जिस्म हरकत करता है, निज़ जिस्म को खूबसूरत और शेड्यूल बनाते हैं। देखो
अगर आपसे पूछा जाए MCQs में कि बताइए, और आपका पेपर आएगा ऑब्जेक्टिव कि आप जिस्म के मजदूर कौन है, हड्डियां हैं या अजलात हैं, तो आप कहना अजलात हैं, ठीक है। उसके बाद है निज़ाम इन्हज़ाम, सबको पता होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसका एक ही काम है कि ये हमारी खुराक को हज़म करता है और हमें कुव्वत देता है। उसके बाद निज़ाम दौरान खून, निज़ाम दौरान खून को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और इसका क्या काम हो सकता है आप जैसे हमें खून का क्या काम, ज़रा सोचिए। देखिए निज़ाम दौरान खून जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका एक ही काम है खून को गर्दिश देना पूरे जिस्म में, ठीक है। खून दिल से चलकर अंतरियों में जाता है, जिस्म के तमाम हिस्सों को गुजाइत पहुँचाकर फिर दिल से वापस आ जाता है। इस निज़ाम के ज़रिए गैर खालिस खून फेफड़ों में साफ होकर जिस्म के सब हिस्सों में पहुँचता है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना एक मोटर लगी हुई है हमारी बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ना दिल बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। दिल जब पंप करता है फिर ही जाके दिल जो है वो मोटर के तौर पे काम कर रही है, समझ रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर दिल एक बहुत बड़ी मोटर लगी हुई है। अब ये मोटर जब चलती है तो खून को प्रेशर देती है और खून हमारी एक एक टिशू तक पहुँचता है, एक एक वेन तक पहुँचता है। अब ये दिल जो है ये फेफड़े के साथ मिलके हमारे खून को साफ़ करता है, गंदा खून दिल में आता है फिर वहाँ साफ़ होता है, फिर वहाँ से जाके वापस हमारे जिस्म में जाता है साफ़ होने के बाद। फेफड़े साफ़ करते हैं खून को, बेसिकली आपने इतनी बात याद रखनी है। दिल जो है वो तो पंप का काम कर रहा है ना, जैसे जो वेन्स होती है ना वो जितना गंदा खून है ना सारा लेके हमारे दिल में जाती हैं, फिर दिल उनको अपने बाएँ, जो दिल का जो बायाँ दायाँ वेंट्रिकल है, दायाँ वेंट्रिकल दिल का जो है वहाँ से वो वापस जाता है फेफड़े में, वहाँ साफ़ होता है, फिर ऊपर जाता है बाएँ वेंट्रिकल में, बाएँ लेफ़्ट आर्टरिया में जाता है, वहाँ से होता हुआ फिर वो जाता है हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल से, फिर वहाँ से निकल जाता है वो आर्टरिया के ज़रिए बाहर साफ़ होके। तो ये बेसिकली इस तरह निज़ाम चलता है, निज़ाम में दौरान खून चलता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये खून साफ़ करने में मदद करता है और खून की गर्दिश में मदद करता है और खून के अंदर ही गजाइत होती है, खून के अंदर ही खालिस होती है ऑक्सीजन। तो इस तरह से सिस्टम पूरा काम करता है। उसके बाद निज़ाम में तनफ्फुस है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना ये करता है इस निज़ाम में सांस लेना और सांस खारिज करना है। सांस लेने में हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और हवा में से ऑक्सीजन फेफड़ों में खून में शामिल होती है, सांस बाहर निकलने में कार्बन डाइऑक्साइड नाक के ज़रिए बाहर निकल आती है। हमको पता है कि निज़ाम में तनफ्फुस में होता कुछ यूँ है कि हम सांस लेते हैं फेफड़ों में हमारा सांस जाता है, वहाँ जाके फेफड़ों में जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो हमारी बॉडी की जो कार्बन से इजाफी हो चुकी है वो वापस आ जाती है, निकल जाती है बाहर, और जो ऑक्सीजन हम लेके जाते हैं हवा में से वो हमारी बॉडी में इस्तेमाल हो जाती है। तो इस तरह से हम हवा से लेते हैं ऑक्सीजन और हवा को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से निज़ाम तनफ्फुस जो है वो काम कर रहा है। उसके बाद है निज़ाम असाब, निज़ाम असाब जो है जैसे कि असाबी सिस्टम कहते हैं, निज़ाम असाब नर्वस सिस्टम है, ये सब निज़ामों का हाकम आला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि सब निज़ामों का हाकम आला कौन है तो आपने कहना है कि कौन है, निज़ाम असाब है, ये नर्वस सिस्टम है। अगर आपसे पूछे मजदूर कौन है तो आपने कहना है कि वो अजलात हैं। अगर कोई आपसे पूछे पेपर के अंदर कि ये बताएं कि सब खलियों की माँ कौन है तो आपने कहना है अंडा है, ठीक है, या जर्म सेल है जिसको इंग्लिश में जर्म सेल कहते हैं। तो इस तरह से ये निज़ाम असाब जो है जिसके मुख्तलिफ हिस्सों से पैगाम हासिल करके, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पैगाम हासिल करके इनके मुताबिक अहकाम जारी करता है। अरादी गैर अरादी अजलात इसकी मदद से हरकत करते हैं। हमारी बॉडी में ना एक होते हैं अरादी और एक होते हैं गैर अरादी अजलात। आप कहोगे अरादी अजलात कौन से हैं और गैर अरादी अजलात कौन से हैं, अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ तो इनवॉलंटरी और वॉलंटरी सिस्टम। इनवॉलंटरी वो होते हैं जो गैर अरादी होते हैं, हमें नहीं पता कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, वो खुद ब खुद कर रहे हैं, खुद ब खुद काम करते जा रहे हैं। हमारा दिल जो है वो इनवॉलंटरी अजलात है। अगर मैं आपको कहूँ कि अपने दिल की धड़कन को स्टॉप करो तो आप नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो हो अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लो, नर्वस सिस्टम को काम करना कराना छोड़ दो, उसे स्टॉप कर दो, तो आप नहीं कर सकते।
अगर मैं ये कहूँ कि अपनी सांस को रोक लो, तो आप कुछ लम्हे के लिए रोक सकते हैं, क्योंकि आपका सांस जो है वो इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दोनों में आता है। आप इसको रोक भी सकते हो, और अगर आपका ध्यान नहीं भी होता सांस की तरफ, तो आप खुद ब खुद सांस भी ले रहे होते हो। यानी आपका जो तनफ्फुस सिस्टम है वो गैर अरादी अरादी दोनों में आ जाता है। आप कंट्रोल भी कर सकते हो और कंट्रोल नहीं भी कर सकते हो। कितनी देर कंट्रोल कर लोगे? थोड़ी देर कंट्रोल कर लोगे सारी ज़िंदगी? आप तो मर जाओगे अगर आप उसको बहुत देर तक रोक के रखते हो। वो आपको खुद ब खुद कहता है कि मुझे सांस लेने दो। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में कुछ अज़लात जो हैं वो गैर अरादी हैं और कुछ अरादी हैं। अरादी वो होते हैं जो कि हमारी मर्ज़ी से हो रहे हैं, और गैर अरादी वो हैं जो हमारी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहे, खुद ब खुद काम कर रहे हैं। हमारा हार्मोन सिस्टम जो है वो गैर अरादी है, खुद ब खुद काम कर रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारा जितना भी सिस्टम है पूरे जिस्म में, चाहे वो अज़लात का सिस्टम है, तनफ्फुस का सिस्टम है, या सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारा का सारा सिस्टम हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। इस सिस्टम के अंदर जो हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है, उसमें कुछ अज़लात वो आते हैं जो गैर अरादी हैं, और कुछ वो आते हैं जो अरादी है। कंट्रोल तो दिमाग ही कर रहा है, तो बेसिकली यही बात की है इसने। उसके बाद हमारे जिस्म के बारे में वो कह रहा है कि हवासे खमसा का निज़ाम। हवासे खमसा जो होते हैं वो हमारे स्पेशल सेंस सिस्टम होते हैं, जिसमें हमारे जिस्म में ना कुछ हिस होती हैं। जैसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये सारे हवासे खमसा हैं। हमारी आँख, कान, नाक, ज़ुबान और जिल्द, हमारे पाँच हवासे खमसा होते हैं। ठीक हो गया? आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, ज़ुबान से हम चखते हैं और जिल्द से हम महसूस करते हैं। डैट इज़ द हवासे खमसा। उसके बाद है निज़ामे इंजज़ाब, जिसको हम अब्सॉर्प्टिव सिस्टम कहते हैं। अब्सॉर्प्टिव सिस्टम जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम है, लम्फाई गदूद का निज़ाम है। हज़म शुदा खुराक खून में शामिल होती है, और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा खसूसन छोटी आंतों में वलाई गज़ायत जज़ब करते हैं। देखिए, निज़ाम इज़ाब आप कहोगे मिस ये कैसा सिस्टम है? हमारे जिस्म में जो अब्सॉर्ब जो एक सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका पढ़ तो लिया है, अब ये कौन सा सिस्टम है? अब्सॉर्प्टिव सिस्टम कौन सा सिस्टम है? जब आपकी खुराक डाइजेस्टिव सिस्टम में हज़म हो जाती है, तो वो इस काबिल हो जाती है कि उसको अब्सॉर्ब कर लिया जाए। अगर आप जैसा खाना खा रहे हो वो डायरेक्ट तो आपके खून में नहीं जा सकता, उसको शोरबे की तरह बनना पड़ेगा ताकि वो आपके खून में जा सके। उसको शोरबे की शक्ल देने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम उसको इतना बारीक करता है तोड़ तोड़ के, और उसको इतना ज़्यादा पेचीदा कर देता है कि वो आपके जिस्म में आसानी से जज़्ब हो सके। देखें, जब आपका जो सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपकी खुराक को इतना बारीक और शोरबे की तरह बना देता है, तो उसके बाद हज़म करना उसका काम नहीं है। उसका काम तो सिर्फ तोड़ना था और उसको डाइजेस्ट करना था। लेकिन अब जज़्ब किसने करना है? यह काम छोटी आंत के अंदर छोटे छोटे वलाई होते हैं, समझ ले ये हमारी छोटी आंत है। छोटी आंत के अंदर तौलिए की तरह वलाई होते हैं, इस तरह। जब तौलिए को बुढ़ नहीं होती, इस तरह छोटी आंत के अंदर वलाई होते हैं, धागे नमा, जिस तरह हमारे तौलिए के ऊपर बुढ़ होती है ना, इस तरह करके छोटी आंत के अंदर वलाई होते हैं, इनको वलाई कहते हैं हम, धागे की तरह। तो वो चूस लेते हैं, जज़्ब कर लेते हैं उस खुराक को जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने शोरबे की तरह कर दी हुई है। इससे आसान लफ्ज़ मैं आपके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसके बाद है निज़ाम इखराज फजलात। ये जो आपके जिस्म से फासिद और बेकार मादे खारिज होते हैं, इसको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। कौन सा कहते हैं? निज़ाम इखराज फजलात। उसके बाद है बे नाली गदूद का निज़ाम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी में बेशुमार हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे इंसुलिन है जो पेंक्रियास से खारिज होती है, थायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है। ये सारे सिस्टम जो है ये ग्लैंड है, हार्मोन्स हैं। ये जो ग्लैंड वाला सिस्टम है, जो गदूद कहते हैं उर्दू में, तो ये गदूदों और गुटलियों का निज़ाम है। हमारी बॉडी में गदूदे होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में तो हम उन्हें ग्लैंड कहते हैं, उर्दू में गदूद कहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जब बकरे की आप जो उसका खोपड़ी होती है बकरे की, या जो गाय की जो खोपड़ी होती है,
उसके अंदर कभी आपने देखा हो कि जब बनती है वो तो उसके अंदर गदूदे निकलती हैं, हमारे जिस्म में भी गदूदे होती हैं, या गदूदे होती हैं ना इसके इनके अंदर से ना मखसूस रतूबतें निकलती हैं जिनको हम हारमोन्स कहते हैं। और ये हारमोन्स बहुत सारे सिस्टम कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे हमारी बॉडी में दिमाग में एक गदूद होती है जो GH हार्मोन निकल, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो खारिज करती है, जिससे जितना ज़्यादा खारिज होगा जिस बंदे में वो उतना लंबा होता जाएगा, जिसमें जितना काम वो उतना छोटा रह जाएगा। तो GH जो है वो ग्रोथ हार्मोन है जो हमारी बॉडी में पिचोटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है, यानी पिचोटरी गदूद रिलीज़ करती है, उसका नाम पिचोटरी है उस गदूद का नाम। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, गदूदी निज़ाम होता है, बेनाली गदूद का निज़ाम है। उसके बाद है निज़ाम अफजाइश नस्ल, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसमें तौलीद और तनासुल के अज़ा और गिल्टियाँ शामिल हैं जो अफजाइश नस्ल मदद देती हैं। अब यहाँ पे गिल्टियों का मतलब गदूदे ही हैं और इसमें तौलीद और तनासुल के अज़ा होते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं, ये जो इंसान की नस्ल होती है उसमें हेल्प करते हैं उसकी अफजाइश नस्ल में। तो उसके बाद हम बात करते हैं निज़ाम दुरान खून की, निज़ाम दुरान खून जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना वो चार चीज़ों पर मुश्तमिल है। आप कहोगे मिस वो चार चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ है दिल। दिल के बगैर आपका खून हरकत नहीं कर सकता, ये हो गया आपका दिल। आपके दिल में से एक निकलेगी आर्टरी, जिसको हम उर्दू में शरियाने कहते हैं, ये आर्टरी निकल गई। आपके दिल में से आपके दिल में एंटर होगी वेन, ठीक है। और साथ ही आपके दिल आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो आगे जाके छोटी छोटी शाखें बनाने, उसको हम कैपिलरीज़ कहेंगे। तो डैट इज़ द निज़ाम। चार चीज़ें हैं, आर्टरीज़ हैं जिनको शरियाने कहते हैं, वेन जिनको वर्दे कहते हैं, कैपिलर जिनको हम अर्क शरिया कहते हैं, और दिल। सबसे पहले शरियानों की बात करते हैं, आर्टरी क्या होती है, ठीक है। आपने टेंशन लेके नहीं पढ़ना, इसको मज़े से पढ़ें, इन्जॉय करें। शरियाने, आर्टरी क्या चीज़ है, आप जितना इन्जॉय करेंगे उतना अच्छे से पढ़ेंगे। और ये बड़ी मज़े का सब्जेक्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। शरियाने आर्टरीज हैं, खून की वो नालियाँ दिल से जिस्म और फेफड़ों की तरफ खून लेके जाती हैं, शरियाने कहलाती हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए, हमारे दिल में खून साफ़ होके आ चुका है, फेफड़े ने साफ़ किया, बेचा दिल की तरफ भेज दिया। अब साफ खून को दिल से जिस्म की जानिब जो चीज़ लेके जाती है वो क्या कहलाती है, वो शरियान कहलाती है। मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करी, पेपर में इसके आने के बहुत चांस है कि दिल से खून जिस्म की जानिब कौन लेके जाता है, तो वो शरियान आर्टरी लेके जाती है, और जिस्म से दिल की जानिब जो लेके जाएगी वो वेन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिस्म से समझ लें, ये हमारा जिस्म है, ये हमारा जिस्म है, और जिस्म के अंदर ये दिल है। अब जिस्म से दिल की जानिब खून लेके जाना है। अब आप बताओ ये काम कौन करेगा, जिस्म से दिल की जानिब खून ले जाने का? ये वेन करेगी। और अगर मैं ये कहूँ कि अब दिल से खून साफ़ करवा के वापस लेके जाना है जिस्म की जानिब, तो ये काम कौन करेगी? आर्टरी करेगी, शरियान करेगी। दिल से जिस्म की जानिब खून लेके जाएगी आर्टरी, और जिस्म से दिल की जानिब वेन। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। हम शरियान के बारे में पढ़े थे, हमने उसके बारे में बहुत अच्छी बात पढ़ी पहली लाइन में। नेक्स्ट लाइन है, ये मजबूत और लचकदार होती है। इसकी तीन तहें होती हैं, कितनी तहें होती हैं इसकी? तीन तहें होती हैं, ये भी बात याद कर ले। खून से खाली होने पर पिचक जाती हैं, लेकिन अपनी शक्ल और गुलाई कायम रखती हैं, गोश्त की लहराई में होती हैं, गोश्त की गहराई में होती हैं, सिवाय फेफड़ों के शरियान की, सब शरियानों में साफ खून होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शरियान के बारे में तीन बातें याद कर लो बस आप शरियान के बारे में। पहली बात ये याद कर लो कि ये दिल से जिस्म यानी खून लेके जाती हैं। दूसरी बात ये याद कर लो इसकी तीन तहें होती हैं। तीसरी बात ये याद कर लो के फेफड़ों की शरियान के अलावा जिस्म की बाकी तमाम शरियानों में साफ़ खून होता है। फेफड़े की शरियान है, उसके अंदर साफ खून नहीं होता। फेफड़े की शरियान के अंदर गंदा खून होता है, लेकिन जिस्म की तमाम शरियानों के अंदर साफ खून होता है। ये तीन बातें याद कर लो शरियान के बारे में, बस इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है शरियान के बारे में याद करने की। देन आपने जो याद करना है, देन हमारे पास है वर्दे। मतलब इसको वरीदे कहेंगे या वर्दे कहेंगे? इसको वरीदे कहेंगे, वरीदे यानी वेंस।
वेंस होती है ना, इनके बारे में क्या बात की गई है ये देख लेते हैं। वो कहता है ये खून की वो नालियाँ जो खून को दिल की तरफ वापस लाती हैं, ठीक है, जिस्म से खून की तरफ वापस लाती हैं ना, वो वेंस हैं। मैंने पहले बार बार बताया आपको, ये पतली और नाजुक होती हैं, वो मजबूत थी शरियान, लेकिन वरीदे जो हैं ये पतली और नाजुक हैं। इनकी भी तीन तहें हैं। चले जी, ये बात भी वाजिया हो गई कि इनकी भी तीन ही तहें हैं। खून से खाली होने पर ये पिचक जाती हैं, ठीक है, जिल्द की सतह के नज़दीक होती हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, वो तो बहुत गहराई में थी, शरियाने तो बहुत गहराई में थी, लेकिन ये जिल्द के बिल्कुल पास पास होती हैं, तो ये ऑपोजिट बात कर दी इसने। खून को वापस जाने से रोकने के लिए इनमें यकसा फासले पर नन्हे थली थली नमा ढकने यानी वर्व्स होते हैं, सिवाय फेफड़ों की वर्दे, सब वर्दों में गंदा खून होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने पढ़ा कि जो शरियान होती है, फेफड़े के शरियान में गंदा खून होता है, बाकी बॉडी के तमाम शरियानों में साफ खून होता है। इसी तरह यहाँ पे उल्ट बात की गई है कि फेफड़ों की जो वर्द है, जो फेफड़े के अंदर जो वेन होगी ना, जो फेफड़े के अंदर जो वर्द होगी उसके अंदर साफ खून है, लेकिन बाकी पूरी बॉडी में जितने भी वरीदे हैं उनमें तमाम में गंदा खून है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो हमारी बॉडी जितनी भी शरियाने होती हैं उन तमाम में साफ खून होता है, और हमारी बॉडी में जितनी भी वरीदें होती हैं, वेंस होती हैं, तमाम में गंदा खून होता है। लेकिन अगर हम फेफड़े पे आएँ तो फेफड़े में सारी स्टोरी उल्ट हो जाती है। फेफड़े में जो विर्द है उसमें साफ खून है, और फेफड़े में जो शरियान है उसमें गंदा खून है, यानी फेफड़े में स्टोरी उल्टी कर देनी है, फेफड़े में यही स्टोरी उल्टी हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो वरीदें हैं उनके बारे में हमने एक बात, उनके बारे में तीन बातें हमने देखी। पहली बात ये कि ये जिस्म से खून ले जाती हैं दिल की तरफ। दूसरी बात देखी, इनकी भी तीन तहें होती हैं। तीसरी बात देखी, ये नाजुक होती हैं। चौथी बात पढ़ी इनके बारे में, ये स्किन के पास होती हैं बस। और पांचवी बात पढ़ी कि फेफड़ों की जो वर्द होती है वो उसमें साफ खून होता है, लेकिन पूरी बॉडी की जो वर्दे होती है उसमें गंदा खून होता है। तो डैट इज़ द डिफरेंस। उसके बाद दिल आता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, दिल के बारे में क्वेश्चन ना आए पेपर अधूरा होता है। दिल के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, और दिल के बारे में आपने याद क्या करना है ज़रा वो तो देख लीजिए। दिल के बारे में जो याद करना है, मैं सिर्फ वही बात बताऊँगी। दिल जो होता है ये दूसरी और सातवीं पसली के पास है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। और ये सीने के जोफ के अंदर दोनों फेफड़ों के दरमियान और कदरे बाई जानब झुका होता है, ठीक है, निचले हिस्से की नस्बत ऊपर की जानब ज़्यादा चौड़ा होता है, हम सबको होता है। इसका वज़न 220 से 300 ग्राम होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इसका वज़न 220 से 300 ग्राम होता है, 220 से 300 ग्राम है। उसके बाद दिल के बारे में जो आपने बात याद रखनी है वो क्या है कि इसका जिसामत एक बंद मुट्ठी के बराबर होती है। ये एक झिल्ली में, जिसको गलाफे दिल कहते हैं, उसमें लिपटा हुआ होता है। इस झिल्ली की दो तहें हैं, इन तहों के दरमियान लेसदार रुतूबत दिल की हरकत को आसान बनाती है और अगर से बचाती है। दिल को ये समझो, ये हमारा दिल है, हमारा दिल होता तो ऐसा ही है ना, ये हमारा दिल है, और दिल जो है वो एक झिल्ली के अंदर लपटा हुआ है। झिल्ली है ये, समझ, झिल्ली है, ये दिल पकड़ा हुआ है इसने। और झिल्ली की एक तह तो ये वाली होगी और दूसरी तह ऊपर वाली ये वाली होगी। इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड होता है, एक मादा होता है जो दिल को बचाता है रगड़ से। तो ये बात बेसिकली इसने की है। उसके बाद मैं एक बात बताऊँ आपको और, कि दिल के चार खाने होते हैं, ठीक है, हर दो हिस्से दो खानों में तकसीम होते हैं। ऊपर के खाने अजन कहलाते हैं, नीचे खाने बतन कहलाते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, ये हमारा दिल है, वो कहता है हमारे दिल के दो खाने हैं। चलें, बन गए दो खाने दिल के, ऊपर वाला खाना और नीचे वाला खाना। ये हो गया हमारा दिल और ये हो गए उसके दो खाने, ऊपर वाला खाना और नीचे वाला खाना। वो कहता है ये दोनों खाने फिर से दो दो हिस्सों में तकसीम है। समझ लो, एक ये हिस्सा और एक ये, तो दोनों खाने दो दो हिस्सों में तकसीम हो गए। ऊपर वाले जो ये वाले दो हिस्से हैं ये अजन कहलाते हैं, और नीचे वाले जो ये दो हिस्से हैं ये बतन कहलाते हैं। ठीक हो गया, ये बतन कहलाते हैं। उसके बाद है
हर अजन में अपनी जानब के बतन से एक ढकना या वल्व के जरिए मिला होता है। दाएं अजन और दाएं बतन के दरमियान ढकना जो होता है उसको ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं। बाएं अजन और बाएं बतन के दरमियान जो ढकना होता है उसको बाइकस्पिड वल्व कहते हैं। अब यहाँ पे आप सोचोगे कितना मुश्किल है, पर ये बड़ा आसान है। आपने बेसिकली क्या क्या याद, दिल के बारे में क्या याद करना है मैं आपको बताऊँगी। आपने दिल के बारे में कोई पाँच बातें याद रखनी है, मैं आपको बताऊँगी अभी कि कौन कौन सी। पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तो हमने बात की दिल के खानों के बारे में, दिल के चार खाने, दो ये और ऊपर वो कहता है बेसिकली दो खाने हैं और हर खाना दो दो हिस्सों में तकसीम है। यानी बेसिकली दो खाने हैं, ऊपर वाला खाना नीचे वाला खाना, लेकिन हर खाना दो दो हिस्सों में तकसीम है, इसलिए ये चार हिस्से, दिल के चार हिस्से होते हैं, ऊपर वाले दो हिस्से, नीचे वाले दो हिस्से। फिर उसने बात की कि हमारे दिल में अगर चार खाने हैं तो कुछ वल्व भी लगे होते हैं। वल्व क्या होते हैं? आपके घर में जो टैंकी लगी होती है उसके साबित वल्व लगे होते हैं। टैंकी की जो पाइप आ रहा होता है, जगह जगह वल्व लगाए होते हैं। वल्व बंद करते हो तो पानी नहीं जाता टैंकी के पास, तो यही वल्व हमारे दिल के अंदर लगे होते हैं। एक वल्व जो होता है वो दाएं व बाएं अजन और बाएं बतन के दरमियान है। ये हमारा बायां अजन है और ये हमारा बायां बतन है। मेरा तो यही बायां बतन बन रहा है जिस तरह मैं बैठी हुई हूँ, तो ये हमारा बायां बतन और ये हमारा बायां अजन है। ऊपर और नीचे इनके दरमियान यहाँ पे करके एक वल्व लगा होता है। ये वल्व जो होता है जो बाएं अजन और बाएं बतन के दरमियान होता है, एक मिनट रुकें, कौन सा वाला? बायां, दायां अजन और दायां बतन के दरमियान। ये दोबारा बनाते हैं, जिस तरह मैं बैठी हुई ना, मेरे लिहाज से जो मेरा दायां बन रहा है वो ये है, तो बायां मेरा ये बन रहा है। इसलिए जो बायां अजन और बायां बतन है, ये अजन ये वाला और ये बतन, तो इनके दरमियान जो वल्व लगा होता है इसको ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं। इसी तरह जो दूसरा वाला पार्ट होता है, ये वाला वल्व जो है वो तो ट्राइकस्पिड हो गया, या टी लिख देते हैं, ये ट्राइकस्पिड हो गया। लेकिन एक वल्व यहाँ भी होता है जो बाएं अजन और बाएं बतन के दरमियान होता है, उसको हम बाइकस्पिड वल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वल्व। जो बाएं जानिब होगा वो बाइकस्पिड वल्व है, जो दाएं जानिब होगा वो ट्राइकस्पिड वल्व है। सही हो गया? हमारे दिल के अगर चार खाने होते हैं तो चार वल्व भी चार ही होते हैं। अगर दो वल्व ये हो गए हैं तो बाकी के वल्व कहाँ पे हैं, हम वो भी देख लेते हैं। वो कहता है कि दाएं बतन और फेफड़ों के शरीयान के दरमियान के ढकने को सेमी लूनर वल्व कहते हैं। ये निसफ चांद की शक्ल की तीन पत्तियों वाला है, इसीलिए इसको हलाली ढकना भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में हलाली ढकना किसे कहते हैं? सेमी लूनर वल्व को हमारी बॉडी में हलाली ढकना भी कहते हैं। सेमी लूनर वल्व कहाँ होता है? अब मैं आपको बताती हूँ सेमी ल्यूनर वल्व कहाँ होता है। हमारे दिल के चार खाने दोबारा से बनेंगे, ये हमारे दिल के चार खाने हो गए, हमने पढ़ लिया इस वल्व के बारे में भी और इस वल्व के बारे में भी। अब एक वल्व यहाँ लगा होता है, यहाँ पे जो वल्व लगा होता है, यहाँ पे एक नाली निकलती है, एक वर्द निकलती है। इस वर्द को, ये वर्द फेफड़ों में जाती है, कहाँ जाती है? फेफड़ों में। ये नाली और हमारे दिल के नीचे वाले बतन, जिसको हम बायां बतन कहेंगे, बायां बतन और हमारे फेफड़े की नाली के दरमियान जो वल्व है यहाँ पे करके, उसको सेमिलर वल्व कहते हैं। समझ आ गई आपको? दाएं बतन और फेफड़ों की शरीयान के दरमियान ढकने को सेमिलर वल्व कहते हैं। ये हमारा दिल हो गया और यहाँ पे जो ढकना लगा हुआ है, जो कि फेफड़े की शरीयान के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ढकना जो होता है, जो हमारे दाएं बतन और फेफड़े के शरीयान के दरमियान होता है, इसको हम सेमिलूनर वल्व कहते हैं। उसके बाद ये हमारा दिल दोबारा से बनेगा, क्योंकि अब हम बात करने लगे हैं लास्ट वाले वल्व के बारे में। लास्ट वल्व जो होता है वो यहाँ पे होता है, जो हमारा बायां बतन है। कौन? बायां बतन। बायां बतन जो है वो एक नाली के साथ, एक आर्टरी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम शरीयान कहते हैं। इस शरीयान और इस बाएं बतन के वल्व को हम एओर्टिक वल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एओर्टिक वल्व कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह चार वल्व दिल के चार वल्व पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये दिल हो गया, ये उसके चार खाने,
एक बल्ब यहाँ पे, जो दाएं राइट राइट आर्टरिया यानी दायां अजन और दायां बतन के दरमियान है, वो ट्राइकस्पिड है, और जो लेफ्ट अजन यानी के बायां अजन और लेफ्ट जो ये क्या बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ उर्दू बोलूँ, जो बायां बतन और बायां अजन के दरमियान है उसको बाइकस्पिड कहते हैं, यानी बाएँ के दरमियान है, बायां वाला है वो बाई है। उसके बाद यहाँ पे जो वल्व है, जो फेफड़ों की जो नाली है उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो हलाल ढकना यानी सेमिनल वल्व कहलाएगा। और यहाँ पे एक और वल्व है जो जुड़ा हुआ एओर्टा के साथ, उसको एओर्टिक वल्व कहेंगे। तो ये चार वल्व हमारी बॉडी के पूरे हो चुके हैं। आई होप कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो सिर्फ ये थी कि दिल जो है उसका वजन कितना है, दिल के चार खाने हैं, दिल के चार वल्व हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, सब बताया मैंने। उसके बाद हम देख लेते हैं बाकी भी। यहाँ हमारा ये आ गया, तो यहाँ तक मैंने आज बताया, दिल तक बताया मैंने आपको, और बाकी मैं कल बताऊँगी आपको। अभी बहुत सारा पढ़ा हुआ है, निज़ामे तनफ्फुस भी पढ़ा हुआ है, वो मैं आपको कल बताऊँगी। तो अभी आप इसको अच्छे समझिए। अल्लाह हाफिज़।